तो दोस्तों, एक नहीं दो नहीं बल्कि 64 कंट्रीज में धमाल मचा रहे हैं बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान। एक ही दिन में रच दिया इतिहास। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दूं, थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद SRK की फिल्म डंकी अब OTT पर रिलीज हो चुकी है। 14 फरवरी को ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और रिलीज होते ही ये मूवी छा गई। रिलीज होने के एक ही दिन में डंकी नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड करने लगी है। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि नेटफ्लिक्स पर 64 कंट्रीज में ये फिल्म टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है। वहीं दोस्तों, आपको बता दूं, राजकुमार ईरानी के डायरेक्शन में बनी फिल्म डंकी में SRK के साथ लीड रोल में तापसी पन्नू नजर आई। दोस्तों, ये मूवी सिनेमाघरों में 21 दिसंबर को रिलीज की गई थी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन किया था। वर्ल्ड वाइड इस मूवी का कलेक्शन 447.70 करोड़ रहा था। वहीं दोस्तों, इसके अलावा अगर बात की जाए SRK की आने वाली मूवीज की, तो अभी तक SRK ने कोई भी अपने आने वाली मूवीज की ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं की है, लेकिन ऐसी चर्चाएं हैं कि SRK धूम फ्रेंचाइज की अगली फिल्म धूम 4 में नजर आ सकते हैं और इसके अलावा SRK संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म में भी नजर आ सकते हैं। फिलहाल अभी तो SRK के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि SRK जल्दी अपनी किसी भी मूवी का अनाउंसमेंट कर दें। वैसे दोस्तों, आपने डंकी मूवी देखी है और आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।